Can you about hearing the link? Sir, it's done. Great, madam. Thank you. Okay, students. Good morning to everyone. Today we will start our control system, feed forward and feedback control system. सो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स. फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमें पिछले लेक्चर्स में देखा है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल पी आई डी और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स में, जो ओपन लूप और क्लोज लूप पढ़ाते वक्त भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है, वो उसी का वो जो क्लोज लूप सिस्टम में जो मैंने एग्जाम्पल्स मोस्टली दिया हुआ है सारे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के बारे में ही है. सो आज वो टॉपिक थोड़ा रिपीट करेंगे और साथ में उसी को थोड़ा एडवांस मोड में और थोड़ा डिफरेंट व्यू में विद कंपेयरिंग विद द फीड फॉरवर्ड से चेक करके डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट माय लेक्चर, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का हिस्ट्री पहले थोड़ा देखा जाता है तो पहले इजिप्शियन जो है एक वाटर क्लॉक मैकेनिज्म या वाटर क्लॉक कंट्रोल टेक्निक यूज करते थे, जहां इन लोग एक क्लॉक यूज करते थे ताकि हर दिन का घड़ी का टाइम मेजर कर सके. मगर क्या है, उसमें जो क्लॉक के अंदर इन लोग जो ड्रॉप टेक्निक यूज करते थे वो पानी पूरा ड्रॉप हो जाता था, तो उसका अगेन रिफिल करने के लिए दे आर सिंपल सम ये फीडबैक मैकेनिज्म जैसा ही यूज करते थे, जहां नीचे का लिक्विड और एक बार ऊपर पंप करते थे. दिस इज द फर्स्ट सम हिस्टोरिकल एग्जांपल व्हिच इज वी हैव द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. मतलब हमारा स्टोर हुआ लिक्विड को, मतलब हमारा आउटपुट को अगेन हमने फीड करके इनपुट में दे रहे थे. सो वो है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. इसके बाद हमारा हिस्ट्री में अगर कुछ एग्जाम्पल जाने माने अच्छे से एग्जाम्पल देखा जाता है तो जेम वाटसन जो स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था, तो उन्होंने एक गवर्नर बनाया था जो स्टीम इंजन का स्पीड को रेगुलेट करने के लिए यूज करता था. सो वहां आपका स्टीम इंजन का जो स्पीड है उसको रेगुलेट करने के लिए उसने एक सिमिलर मैकेनिज्म, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म जैसा यूज किया गया है. तो उसमें क्या करते थे, जो स्पीड मैकेनिज्म को थोड़ा फीडबैक करके आपका सिस्टम का इंजन का स्टीम को रेगुलेट करते थे ताकि आपका इंजन का स्पीड कंट्रोल हो सके. सो दिस इज द एक बेस्ट एग्जांपल है जो हमारा ओल्डन डेज का फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का है. नीचे यहाँ डायग्राम में दिया है, ग्रे कलर में है, वो है वन एग्जांपल फॉर द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो जेम्स वाटसन ने यूज किया है स्टीम इंजन रेगुलेशन में. इसके बाद 1930s में बेल लेबोरेटरीज में ब्लैक एंड निक्वेस्ट बोल के दो वैज्ञानिक ने एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनिक सिस्टम में एम्पलीफिकेशन मैकेनिज्म में एक फीडबैक सिग्नल का इम्प्लीमेंट किया है ताकि आपका एम्पलीफाइड सिग्नल एक स्टेबल पे आउटपुट आए, नॉइस एलिमिनेट हो सके. तो उन्होंने एक 1930 में एक थीरी इसको इम्प्लीमेंट किया है, वो है फीडबैक कंट्रोल, मतलब फर्स्ट वर्ड यूज फॉर द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इन 1930s बाय बेल लेबोरेटरीज. वर्ल्ड वार में जो मोस्टली हमको ऑटोमेटेड सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा था ताकि आदमियों का इन्वॉल्वमेंट कम हो और इफिशियंटली वार कंट्रोल कर सके, इसीलिए यहाँ बहुत सारे फीडबैक मैकेनिज्म बेस पे कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम्स डिजाइन किया था. उसमें कुछ एग्जांपल है, रॉकेट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, राडार बेस्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है, पायलटलेस रिकॉग्नाइज्ड फ्लाइट सिस्टम्स है जो ये जर्मनी इन लोग डेवलप किया था. ये भी एक एग्जाम्पल है जो वर्ल्ड वार टू में यूज किया है, ये सिमिलर टू द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ही काम कर रहा था. इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ एग्जांपल आज के दिन में फीडबैक के ऊपर काम करने वाला, जस्ट आपको एक महीने फेमिलियराइजेशन लेके जा रहा हूँ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हमारा डेली लाइफ में कहाँ दिखता है. आजकल एयरक्राफ्ट एंड स्पेस इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो हमारा इसरो नासा इन लोग यूज करते हैं रॉकेट को ऑटोमेटिकली लॉन्च करने का, वहां भी एक फीडबैक मैकेनिज्म यूज किया जाता है. और एक सेल्फ पायलट मैकेनिज्म भी आता है जो एयरक्राफ्ट को अगर पायलट विद पायलट और विदाउट पायलट जब उसने ऑटोमेटिक में फ्लाइट को चलाना है तो यूज करने वाले एक सेल्फ ऑटोमेटेड पायलट सिस्टम भी यूज करते हैं. और ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम जैसे कि आपका सर्वेलेंस, आपका स्काई सर्वेलेंस में कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिखता है तो आपका मिसाइल सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉन्च होकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो वो सिस्टम में भी हमें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ही यूज करते हैं.
इसके बाद अगर देखते हैं तो हमारा प्रोसेस इंडस्ट्री में जितने भी पैरामीटर कंट्रोल करना है, फ्लो लेवल, टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, ये सारे को क्या करते हैं, हमें सेट पॉइंट में मेंटेन करना जरूरी है। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, तो उसको क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करना है, तो इनको पैरामीटर को सेट पॉइंट में मेंटेन करना है। तो सेट पॉइंट में मेंटेन करना है, जो ऑटोमेटेड सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं वहाँ मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है प्रोसेस मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, वो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बेस पे ही है। प्रोसेस फीडबैक प्रोसेस ब्लीडिंग सिस्टम्स है, ऑटोमेटिक रिएक्टर्स है जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में जो यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक रिएक्टर्स होते हैं। इसके बाद सेफ्टी अलार्म्स, जहाँ भी आपका सिस्टम सेफ्टी फेल होता है, ऑटोमेटिकली अलार्म्स बजना, यानी तो ऑटोमेटिकली जो उस कंसर्न वॉल्व्स को बंद हो जाना, यहाँ जितने भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारे जो है आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ही काम करता है। हजार्ड केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज में आदमी इन्वॉल्वमेंट को कम करना है और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, तो भी हमें हमारा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर और देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो सर्वो मैकेनिज्म हर बार सुनते हैं, स्टेपर मोटर का सर्वो मैकेनिज्म है और आपका सर्वो बेस्ड वोल्टेज रेगुलेशन सिस्टम है, जैसा आपका कंप्यूटर लैब्स में यूज़ करते हैं, ये सारे जो है हमारा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ही काम करता है। अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ऑप-एम्प सर्किट्स, सो ऑप-एम्प का गेन कंट्रोल करना है तो हम क्या करते हैं, आउटपुट से एक इनपुट सिग्नल में थ्रू द रेसिस्टर, मतलब सिक्स्थ पिन से आपका सेकेंड पिन नेगेटिव को जो है हमें एक सिग्नल फीड करते हैं। सो ये भी एक सिस्टम है। ऑसिलेटर्स में यूज़ करते हैं, ऑसिलेटर में आपको सस्टेन्ड ऑसिलेशन चाहिए, वहाँ भी फीडबैक यूज़ करते हैं। तो ये फीडबैक दो प्रकार होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ऑप-एम्प में हम जो यूज़ करते हैं गेन स्टेबिलिटी के लिए वो नेगेटिव फीडबैक होता है, ऑसिलेटर में हमें रीजेनरेटिव सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें यूज़ करने वाला फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक होता है। सो ऐसे हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं और मोटर स्पीड कंट्रोल, मोटर ड्राइव कंट्रोल्स जो यूज़ करते हैं, ये सारे फीडबैक मैकेनिज्म पे ही काम करता है। और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में देखते हैं तो आजकल मोस्ट पॉपुलर है, गूगल भी है और बहुत सारे फेसबुक है, इन लोग सारे सेल्फ ड्राइविंग कार सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से उबर भी इस सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए देख रहे हैं। तो इसमें भी जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, बेसिक बिहाइंड ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो है वो भी फीडबैक मैकेनिज्म है। सीएनसी मशीन्स काम करते हैं, आप जो प्रोग्राम देने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जॉब आउटपुट आता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करते हैं या सर्किट मैकेनिज्म होता है वो भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ही होता है। रोबोट्स जो चलता है, रोबोटिक्स में जो यूज़ करते हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज में, जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, ये सारे जो है आपको फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ही काम करता है। दीज आर द सम रियल लाइफ में हम यूज़ करने वाला फीडबैक एग्जांपल्स है। सो एक्चुअली क्लोज लूप का मतलब है, एक्चुअली क्लोज लूप हमें इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपका प्रोसेस वेरिएबल को सेट पॉइंट पे रखे, डिस्टर्बेंसेस से वेरिएशंस को कम करके आपका प्रोसेस को सेट पॉइंट में रखने को हम कहते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सो मेंटेन द प्रोसेस आउटपुट एट डिजायर्ड वैल्यू व्हिच कैन बी वेरीज इन द डिस्टर्बेंसेस, इसको क्लोज लूप बोलते हैं। तो क्लोज लूप में बहुत सारे टाइप्स है, दैट इज आपका फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, कैस्केडिंग, रेशियो कंट्रोल बोल के बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है। तो आज हम देखते हैं कि इसमें फीडबैक और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। व्हाट इज मीन बाय फीडबैक, फीडबैक मतलब नाम पे ही है, फीडबैक मतलब कुछ आउटपुट इंफॉर्मेशन को इनपुट में देने का, इसको कहते हैं फीडबैक, मतलब कुछ आगे वाला इंफॉर्मेशन को पीछे देने को हम कहते हैं फीडबैक। सो यहाँ सम पार्ट ऑफ द प्रोसेस आउटपुट सिग्नल, मतलब कुछ प्रोसेस आउटपुट सिग्नल, होल पार्ट यानी तो कुछ रेफरेंस सिग्नल जो है हम क्या करते हैं कंट्रोलर को एज ए इनपुट बोल के देते हैं, कंट्रोलर को एज ए इनपुट देते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एज ए रेफरेंस फॉर बेटर कंट्रोलिंग, मतलब मेरा आउटपुट कैसा है उसको देखते हुए मेरा कंट्रोलर का कंट्रोलिंग सिग्नल को एडजस्ट कर लेने का तरीके को हमें फीडबैकिंग बोलते हैं। सो ये है फीडबैक कंट्रोल, मतलब टू गिव ए सम पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट वी कैन से एज टू द फीडबैक कंट्रोल बोलते हैं। सो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो है एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। सो ये हमारा प्रोसेस का आउटपुट को सेट पॉइंट में मेंटेन करने के लिए आपको हेल्प करता है।
सो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या है, आपका प्रोसेस वेरिएबल को मतलब प्रोसेस पीवी को आउटपुट को क्या करता है, आपका सेट पॉइंट में मेंटेन करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये सिस्टम जो है बेटर मेजरमेंट मैकेनिज्म देता है और आपका सिस्टम में सर्वो मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है, मतलब आउटपुट कम हो गया तो इनपुट को बढ़ाना, या आउटपुट ज्यादा हो गया तो इनपुट को कम करके आपका सिस्टम को स्टेबलाइज करता है, आपका सिस्टम को रेगुलेट करता है। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट एम्स है, मतलब आपका सिस्टम को स्टेबलाइज या रेगुलेट करना, मतलब आउटपुट बढ़ गया या घट गया उसके हिसाब से आपका कंट्रोल सिग्नल को कम ज्यादा करना है। सिंपली कहना है कि मेरा प्रोसेस वेरिएबल को मतलब पीवी प्रोसेस प्रेशर फ्लो लेवल टेम्परेचर जो भी आप जिस चीज को कंट्रोल करना चाहता है वो आपके हिसाब से मतलब आपका सेट पॉइंट के हिसाब से मेंटेन करना इसका मेन इंटेंशन है। सो किसके लिए हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज करना है, क्योंकि मेरा सिस्टम में मेजर डिस्टर्बेंस जो होते हैं आउटपुट कंज्यूमशन, तो उसको अगर हमें रिड्यूस करें और उसको मेंटेन कर सके, आपका अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबलाइज करें और आपका सिस्टम का प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें, आपका प्रोसेस का प्रोसेस को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, प्रोसेस का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमको फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जरूरत पड़ता है। मतलब सिंपली आपका डिस्टर्बेंसेस को कम करके सिस्टम स्टेबलाइजेशन को बढ़ा के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जरूरत पड़ता है। अगर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में मेजर एलिमेंट्स क्या है, तो ऑलरेडी हमने देखा है कोई भी कंट्रोल सिस्टम में हमारे मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो है सेंसर एंड ट्रांसमीटर, कंट्रोलर एंड फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। सेंसर एंड ट्रांसमीटर क्या करता है, जो पैरामीटर आपने रेगुलेट करना चाहता है कंट्रोल करना चाहता है उसको मेजर करता है और वो मेजरिंग सिग्नल को आपका कंट्रोलर को प्रोवाइड करता है। सो ये सिग्नल हम इंस्ट्रूमेंटेशन में दो प्रकार देते हैं, अगर पूरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू यूज करने वाला न्यूमेटिक सिस्टम है तो वो 3 to 15 PSI इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सिग्नल है, अगर आपका सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक होगा तो आपका कंट्रोलिंग सिग्नल 4 to 20 milliamps होता है, सम केसेस 1 to 5 volt सिग्नल भी होता है। कंट्रोलर इज ए डिसीजन मेकर है, ये क्या करता है दो इनपुट को लेता है, एक सेट पॉइंट को और एक आपका आउटपुट रेफरेंस जो फीडबैक सिग्नल है टीवी को, ये दोनों को लेके और इनको कंपेयर करके डिसीजन लेता है। इट इज अ ब्रेन ऑफ द आपका प्रोसेस कंट्रोल, तो ये क्या करता है वो डिसीजन लेके आपका कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करके वो कंट्रोल सिग्नल जो है कंट्रोलर को देता है, तो कंट्रोलर क्या करेगा आपका कंट्रोलिंग सिग्नल के हिसाब से प्रोसेस के इनपुट को रेगुलेट करता है ताकि आपका प्रोसेस सेट पॉइंट पे ऑपरेट हो सके। तो यहाँ हम एक जस्ट एक एग्जाम्पल रिविजन किया है प्रीवियस का, यहाँ साइड में डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो है आपका सेंसर है और ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है जो कंट्रोल वाल्व है, और FIC फ्लो इंडिकेटिंग कंट्रोलर जो है वो कंट्रोलर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, तो यहाँ देखे फर्स्ट हम चालू करते हैं कंट्रोलर्स, या वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द प्रोसेस। सो प्रोसेस विच वन यू वॉन्ट टू मेंटेन और स्टेबलाइज, ये फ्लो भी हो सकता है, लेवल भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, जिस पैरामीटर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके अंदर आपको क्या करते हैं डिस्टर्बेंसेस रहेगा, आउटपुट रहेगा। सो यहाँ सेंसर क्या करते हैं, वी कैन कनेक्टेड एट द आउटपुट व्हाट यू वांट रिक्वायर्ड, तो वहाँ हमारा सेंसर लगाते हैं। ये अगर फ्लो प्रोसेस कंट्रोल है तो फ्लो सेंसर होगा, लेवल प्रोसेस कंट्रोल होगा तो लेवल सेंसर होगा, टेम्परेचर प्रोसेस कंट्रोल होगा तो टेम्परेचर सेंसर होगा। ये सेंसर आपको एज पर प्रोसेस वेरिएबल के हिसाब से वो केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से हम सेंसर को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कोई भी सेंसर हो तो ये क्या करता है आपका प्रोसेस आउटपुट को मेजर करता है और उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। वो सिग्नल को क्या करते हैं हमें सीधा लेके जाके एज ए फीडबैक सिग्नल, एज ए फीडबैक सिग्नल हमने कंट्रोलर को देते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर हमें दो चीज फीड करते हैं, हमको क्या चाहिए दैट इज सेट पॉइंट, हमको क्या चाहिए सेट पॉइंट, जो आपका आउटपुट कैसा होना चाहिए वो वैल्यू हमें इधर मैन्युअली फीड करते हैं, और ये जो मैनुअल फीड किया हुआ इन्फॉर्मेशन आपका रिक्वायरमेंट एंड एज वेल एज आपका पीवी को, ये दोनों को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद इट विल जनरेट ए सिग्नल दैट इज एरर, डिविएशन फ्रॉम द पीवी फ्रॉम द सेट पॉइंट, मतलब जो सेट पॉइंट से आपका पीवी कितने दूर है इसको कंपेयर करेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेगा, कंपेयर करके सब्ट्रैक्ट करेगा। ये एरर को क्या करता है एज ए कंट्रोलर को इनपुट बोल के दिया जाता है, तो कंट्रोलर क्या करता है ये एरर को एम्पलीफाई करता है एज पर कंट्रोलिंग एक्शन। एस्टरडे क्लास में देखा है आपका कंट्रोलिंग एल्गोरिथम के हिसाब से, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलिंग एक्शंस के हिसाब से इट विल जनरेट ए कंट्रोलिंग सिग्नल, एक मैथमेटिकल
कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करता है। इस कंट्रोलिंग सिग्नल को हमें मैनिपुलेटेड सिग्नल या मैनिपुलेटेड वेरिएबल बोल के भी बोलते हैं। ये अगर रोमैटिक कंट्रोलर होगा तो वो सिग्नल जो है 3 to 15 PSI होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होगा तो वो 4 to 20 milliamps रहेगा। सम कंट्रोलर्स इट इज हैविंग 1 to 5 volt आल्सो। ये सिग्नल को हम क्या करते हैं, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को देते हैं। यहाँ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट अगर आपका थायरिस्टर बेस्ड सर्क्यूट है तो 4 to 20 milliamp डायरेक्टली ऑपरेट करेगा। अगर आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल वाल्व होगा तो उसको हमें थ्रू I2P कन्वर्टर के द्वारा देते हैं। तो एज पर यूर कंट्रोलिंग सिग्नल आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल वाल्व जो है ऑन ऑफ मतलब वेरी होगा, कम ज्यादा होगा, वो जो है आपका प्रोसेस इनपुट को चेंज करता है। सो अगर आपका प्रोसेस आउटपुट कम है तो कंट्रोल सिग्नल ज्यादा होगा, मतलब एरर ज्यादा होगा, एरर ज्यादा होगा तो कंट्रोल सिग्नल ज्यादा होगा, तो वाल्व क्या होता है ओपन होता है, तो प्रोसेस क्या होता है इनपुट बढ़ के आपका प्रोसेस सेट पॉइंट की तरफ मूव होता है। अगर आउटपुट आपका सेट पॉइंट से बाहर है सो ये क्या करता है, एरर इनपुट कम होगा, कंट्रोलिंग सिग्नल कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोलिंग सिग्नल डाउन होने की वजह से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्लोज होगा, तो प्रोसेस का इनपुट कम हो जाएगा। प्रोसेस इनपुट कम होगा तो आउटपुट जो एक्सीड हो गए वो रिड्यूस होते आके सेट पॉइंट की तरफ आ गए। मतलब आपका आउटपुट एक्सीड करेगा तो इनपुट सिग्नल कम करता है, आउटपुट रिड्यूस होगा तो इनपुट सिग्नल को एक्सीड आउटपुट कम होगा तो इनपुट को ज्यादा देके आपको उसको ओपन करके इंप्रूव करता है। तो ऐसा आपका प्रोसेस को क्या है रेगुलेट करके आपका आउटपुट को मेंटेन करता है। तो यहाँ क्या करते हैं, आपका आउटपुट में चेंज आने के बाद सेंसर मेजर करके आपका प्रोसेस कंट्रोलर रेस्पॉन्ड करता है। दिस इज द वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक और बेसिक फंक्शन ऑफ दिस वन। मतलब मेरा आउटपुट में चेंज आने के बाद ही मेरा कंट्रोलर रेस्पॉन्ड करता है, ये पहले रेस्पॉन्ड नहीं करता है। इमेजिन करके ये रेस्पॉन्ड नहीं करता है। यहाँ नीचे कुछ आप देख सकते हैं, ये जो आपका प्रोसेस जो है आउटपुट में सेंसर मेजर कर रहा है और इनपुट में कंट्रोलर जो है कंपेयर करके आपका कंट्रोलिंग एक्शन ले रहे हैं। यहाँ आपको देखिए कुछ मेजर डिस्टर्बेंसेस है, इन मेजर डिस्टर्बेंसेस को ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे। दिस इज द वन डिसएडवांटेज, अगर मेजर डिस्टर्बेंसेस ज्यादा है तो आपका सेट पॉइंट पे कभी भी प्रोसेस सिग्नल नहीं जा पाता है या सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे हम देखते हैं आगे हमारा फीड फॉरवर्ड में। सो वर्किंग अभी एक्सप्लेन किया है, इसमें मेन मेजर है मेजरिंग द आउटपुट विद द सेंसर एंड जनरेटिंग द कंट्रोलिंग प्रोसेस सिग्नल और डिसीजन मेकिंग। डिसीजन क्या करता है, कंट्रोलर लेता है, ये दो चीज पे करता है। एक पहले कंपेयर, इस कंट्रोलर दो काम करता है, एक जनरेटिंग द एरर सिग्नल मतलब इनपुट इनपुट सेट पॉइंट को और आपका पीवी को फीडबैक सिग्नल को दोनों को कंपेयर करके एरर सिग्नल जनरेट करता है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, और ये एरर सिग्नल को एज पर PID मैथमेटिकल फंक्शन के हिसाब से एम्पलीफाइड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, और वो कंट्रोलिंग सिग्नल हमें क्या करते हैं डिसीजन सिग्नल बोल के मानते हैं। ये सिग्नल जो है आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को देता है। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है, एक्शन लेता है जो आपका प्रोसेस के ऊपर एक्चुअल में काम करने वाला यही है। तो यहाँ क्या करता है, आपका प्रोसेस का इनपुट में ये बिटाया हुआ रहता है, तो वो इनपुट को कम ज्यादा एज पर कंट्रोलिंग सिग्नल के हिसाब से कम ज्यादा करके आपका प्रोसेस को रेगुलेट करता है। सो दीज आर द वर्किंग ऑफ योर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। सो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, आपका कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल को रेगुलेट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंसेस कम कोई है क्या है कुछ नहीं देता, कितने भी डिस्टर्बेंसेस होने दो, ये क्या करता है आपका पीवी को सेट पॉइंट में लेके जाने के लिए ही कोशिश करता है। और इसमें आपको ज्यादा नॉलेज जरूरत नहीं है, जो आपका प्रोसेस किस प्रकार का है, फ्लो का है, लेवल का है, टेम्परेचर का है, पीएच का है, तो हर एक का उसका बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। अगर जानते हो तो वेल एंड गुड, यू कैन ऑपरेट वेल। अगर नहीं जानते हैं, अगर आप फ्लो कंट्रोलर को ऑपरेट कर सकता है तो लेवल कंट्रोलर को ऑपरेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। मतलब इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ यूर प्रोसेस स्टाइल और प्रोसेस पैरामीटर्स, और इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंसेस के बारे में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। वर्सेटाइल एंड रोबोस्टिक, मतलब कंडीशन चेंजेस को कुछ ये ज्यादा नहीं देखता है। ओके, सेफर देन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वेस्टेज को कम करता है क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम वेस्टेज होने से पहले इस पैरामीटर को मेंटेन करता है। स्मूथ ऑपरेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होता है और प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है, और डेटा जो अवेलेबल है वो आपको आगे डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। और डिसएडवांटेजेस, ये कभी भी आपका डिस्टर्बेंसेस को बिल्कुल कंसिडर नहीं करता। इसके वजह से क्या होता है, कुछ कुछ मेजर डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है।
रेस्पॉन्स जो है बहुत हल्का सा चलता है, रेस्पॉन्स क्विकली नहीं देगा, शायद आपका पीवी जाके सेट पॉइंट में नहीं पहुंच सकता। आप इवन एकदम वेरी एक्यूरेटली पीआईडी वैल्यू को ट्यून कर दिया, हाई एक्टिव करके पी वैल्यू को ज्यादा दे के भी, एकदम एक्सट्रीम ज्यादा पी वैल्यू दे दिया, प्रोपोर्शनल वैल्यू मतलब मोर एक्टिव कर दिया, फिर भी डिस्टर्बेंस से ज्यादा होगा अगर उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम जो है सेटल नहीं होगा और कंटिन्यूसली वो ऐसे हाफ सेट मेंटेन करते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये डिस्टर्बेंसेस को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे, थियोरेटिकली नॉट कैपेबल द परफेक्ट कंट्रोलर क्योंकि डिस्टर्बेंसेस को कंसिडर नहीं कर रहे प्रोसेस के अंदर, मेन वही है डिस्टर्बेंसेस को कंसिडर नहीं करता है इसमें, दिस इज द वन डिसएडवांटेज है, इसके वजह से सिस्टम स्लो हो सकता है, स्पीड इंप्रूव नहीं हो पाता है। और सेकेंड चीज, इट विल टेक द एक्शन आफ्टर द एरर ऑकरिंग, मतलब आपका प्रोसेस आउटपुट सेट पॉइंट से डिविएट होने के बाद, एरर जनरेट होने के बाद कंट्रोलिंग एक्शन लेता है। सो आपका आफ्टर द एरर जनरेटेड देन ओनली इट विल रेस्पॉन्ड, अदरवाइज इट विल नॉट रेस्पॉन्ड, दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज आल्सो। अगर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो यहाँ देखिए मैंने एक सिंपल सा लिक्विड लेवल एग्जांपल एक बता रहा हूँ, एक फ्लो लेवल एग्जांपल बता रहा हूँ, एज वेल एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जांपल। तो ये एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किया और एक बार बता रहे हैं। यहाँ पानी टैंक को मैंने मेंटेन करना है फर्स्ट एग्जांपल में लेवल में, तो यहाँ क्या होगा, मेरा पानी का लेवल कितना है पहले उसको देखने के लिए मैंने एक हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल ट्रांसमीटर लगाया है, यहाँ LT बोल के लिखा हुआ है, दिस इज लिक्विड लेवल ट्रांसमीटर। और यहाँ से मैंने जो सिग्नल है ये जो है डबल लाइन इंडिकेट कर रहा है, ISA स्टैंडर्ड के हिसाब से इट इज ए न्यूमेटिक सिग्नल, सो ये जो ट्रांसमीटर हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए न्यूमेटिक ट्रांसमीटर। तो ये क्या करता है, ये सिग्नल जो है LIC को देते हैं, लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर को। सो लेवल इंडिकेटर कंट्रोलर क्या करता है, आप SP को और PV को दोनों को कंपेयर करेगा और एरर सिग्नल जनरेट करेगा और PID प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। वो कंट्रोल सिग्नल क्या होगा, सीधा जाके आपका कंट्रोल वाल्व को जाएगा। तो कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, वहां जो लाइन में जो इनपुट लाइन जो है उसमें बिठा हुआ है तो वहां पानी का लाइन को कम करता है। एग्जांपल, मेरा यहाँ सेट पॉइंट पीवी चाहिए 70% और मेरा टैंक पूरा खाली है, तो ये क्या करेगा, खाली है तो आपका पीवी जो है मिनिमम होगा और सेट पॉइंट आपको चाहिए मैक्सिमम 70%, तो एरर सिग्नल जो है ज्यादा है, अप्रॉक्सिमेटली हम सोचेंगे कि 0 है, तो 0% इनपुट है, SP जो 70% है तो एरर 70% है, तो कंट्रोल सिग्नल कंट्रोलिंग सिग्नल जो है इन प्रोपोर्शनल टू द एरर है, तो एरर ज्यादा है तो कंट्रोलिंग सिग्नल ज्यादा होगा, कंट्रोलिंग सिग्नल ज्यादा होगा तो वाल्व को जो है मैक्सिमम कंट्रोलिंग सिग्नल मिलेगा, तो वाल्व खुल जाता है, पूरा ओपन हो जाता है, तो पूरा हो गया ना होगा तो फुल स्पीड पे आपका लिक्विड भरता है, तो लिक्विड धीरे धीरे से बढ़ते जाता है। जैसे आपका ये सेट पॉइंट पहुंच जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये लेवल ट्रांसमीटर का आउटपुट ज्यादा होगा, SP 70% है, लेवल ट्रांसमीटर जो भी है वो भी 70% है मान लेंगे, तो ये दोनों 70-70 माइनस होके एरर सिग्नल जीरो होता है, तो एरर जीरो होगा तो कंट्रोल सिग्नल जीरो होता है, तो वाल्व को जाने वाला सिग्नल जीरो होने की वजह से कंट्रोल वाल्व अगर नॉर्मली क्लोज है तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इनपुट बंद हो जाता है। सो दिस इज द सम वे ऑफ वर्किंग। सिमिलरली यहाँ फ्लो कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल में यहाँ देखिए लिक्विड लाइन में फ्लो स्पीड मेजर करने के लिए मैंने एक हेड टाइप ऑफ फ्लो मीटर लगाया, मतलब ऑरिफाइस टाइप का, तो ऑरिफाइस विद द आपका DP के साथ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ फ्लो स्पीड को मेजर करेगा, वो फ्लो इंडिकेटिंग कंट्रोलर को देगा, वो SP से कंपेयर करेगा और प्रेजेंट स्पीड को दोनों को कंपेयर करके एरर जनरेट करेगा, वो एरर का एम्पलीफाई करके वाल का इनलेट का ओपनिंग क्लोजिंग को कम ज्यादा करके फ्लो स्पीड को कम ज्यादा करता है। ओके, सिमिलरली यहाँ हीट एक्सचेंजर का देख सकते हैं, हीट एक्सचेंजर में यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका जो है लिक्विड जो है कोल्ड लिक्विड इधर आ रहा है उसको हार्ट में जनरेट करना है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हमने कि ब्लीडिंग मैकेनिज्म में लगा हुआ है। ओके, सो यहाँ आपका हॉट वाटर है तो इसको कोल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है इसको मेजर करेंगे, आपको टेम्परेचर कितना चाहिए दोनों को कंपेयर करेगा, इसके हिसाब से यहाँ कोल्ड वाटर को कम ज्यादा करेगा, ये कोल्ड वाटर को कम ज्यादा करेगा ताकि आपका जो हॉट वाटर जो है वो टेम्परेचर रिड्यूस होते जाए, सम इनवर्स मैकेनिज्म है ये। प्रेजर कंट्रोल में मेरा ये प्रेजर वेजल में प्रेजर को मेंटेन करना है, इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ एक प्रेजर ट्रांसमीटर में दिया है, अगर ये टैंक के अंदर प्रेजर कितना है ये मेजर करेगा और वो सिग्नल जो है प्रेजर इंडिकेटिंग कंट्रोलर को देता है, तो प्रेजर इंडिकेटिंग कंट्रोलर क्या करता है, सेट पॉइंट का और पीवी को कंपेयर करेगा कंट्रोल सिग्नल देखिए, अगर उसके हिसाब से इसके प्रेजर वेजल में जाने वाला गैसेस को कम ज्यादा करता है, तो कम ज्यादा करने से इसमें गैस बढ़ना या घटना
होता है आपके एसपी के हिसाब से. ओके, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स वी हैव सीन. नाउ वी कैन एंटर इनटू द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में सो इंडस्ट्री में आपका फीडबैक के साथ बहुत सारे जगह पे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल भी दिखता है. अभी हम देखा है कि फीडबैक का एक ड्रॉबैक है, वो डिस्टर्बेंसेस को कंसिडर नहीं करता है. तो ये फीड फॉरवर्ड उसी बेसिस पे बनाया हुआ है. फीडबैक जो है आपका आउटपुट को मेजर करता है. फीड फॉरवर्ड मेन इंटेंशन मेजरिंग द डिस्टर्बेंसेस, मेजर डिस्टर्बेंसेस को मेजर करता है. उसके वजह से आने वाला प्रॉब्लम को या आउटपुट डिविएशन को रिड्यूस करने के लिए यूज करने वाला मेकानिज्म है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल टू मेजर द मेजर डिस्टर्बेंसेस एंड कॉम्पनसेट देम बिफोर दे आर डिविएटिंग द सेट पॉइंट. मतलब उनके वजह से आपका सेट पॉइंट में पीवी जो है सेट पॉइंट से दूर जाने से पहले उसको करेक्शन करना है. मतलब डिस्टर्बेंस ज्यादा है तो उसके हिसाब से कंट्रोलिंग एक्शन को इम्प्रूव करके उसके वजह से आने वाला नुकसान को कम करने के लिए यूज करने वाला मेकानिज्म है. ओके, सो इट इज बेसिकली वर्किंग ऑन द डिस्टर्बेंसेस. सो डिस्टर्बेंसेस को मेजर करते हैं, डिस्टर्बेंस के वजह से आने वाला प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हैं. इंडस्ट्रीज में आपका मोस्ट ऑफ द मेजर लोड डिस्टर्बेंसेस जो है प्रोसेस को डिविएट करते रहता है. नीड किसके लिए है ये, इसका जरूरत क्या है? क्योंकि मेरे इंडस्ट्री में हम हर बार आउटपुट पे कॉन्सेंट्रेट करके मेजर करते हैं, लेकिन जैसा हमारा टैंक है उसमें लीकेजेस होता है. जैसा आपने एक बॉयलर है वहां पानी गर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, पानी गर्म करना है तो पानी का टेम्परेचर एक ही देखते हैं, लेकिन उसका सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर नहीं देखते हैं. अगर आप पानी का टेम्परेचर कम है तो आपको उसको गर्म करने के लिए क्या करते हैं, वो टेम्परेचर के हिसाब से आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा. लेकिन एटमॉस्फेयर वेरी कोल्ड है तो आप जितना सिग्नल दे रहे हैं ना, वो सिग्नल सफिशिएंट नहीं होता है ताकि उसका गर्म कर सके. क्योंकि आप जितना गर्म करने के लिए दे रहे हैं उतना एटमॉस्फेयर क्या कर रहे हैं, टैंक के सराउंडिंग से अब्सॉर्ब कर दे रहे हैं. इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम डिले हो जाता है. अगर आपका सिस्टम एटमॉस्फेयर ठंडा नहीं होता तो प्रोसेस बहुत स्पीड से चलता, मतलब जल्दी सेटल होता, सेट पॉइंट के पास जल्दी पहुंच सकता. लेकिन आपका सराउंडिंग जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो, हवा का स्पीड ज्यादा हो, इसके वजह से क्या होता है, वो जो है जितना आप हीट दे रहे हैं वो हीट सफिशिएंट नहीं होता है, वो क्या करता है उसको कूल डाउन करते रहता है. तो आपका प्रोसेस कभी भी सेट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा या पहुंचने में टाइम लगता है. दिस इज अ मेजर डिस्टर्बेंसेस. सो अगर आपको ये क्या है, ये डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपका सिस्टम में डिले हो रहा है, उसको क्या करना है, करेक्ट करना है. और वो डिस्टर्बेंस से आने की वजह से डिले जो हो रहा है उसको रिड्यूस करना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंसेस को हिसाब से मेरा कंट्रोलिंग सिग्नल को और इंप्रूव करना पड़ेगा. ओके, सो अगर आपने ये फीडबैक जो है आपका जो सेट पॉइंट मेंटेन करने के लिए यूज कर इंप्लीमेंट करते हैं, साथ साथ में अगर डिस्टर्बेंस को भी कंपनसेट करने वाला फीडबैक, फीड फॉरवर्ड को भी फीडबैक के साथ यूज करते हैं, तो आपका सिस्टम बहुत स्पीड से काम करेगा, परफेक्टली काम करेगा. तो अगर फीडबैक को विद फीड फॉरवर्ड यूज करते हैं तो उसको मल्टी लूप कंट्रोल बोलते हैं. सो मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट कंट्रोल बोल के भी हम बताते हैं. तो ये क्या है, आपका सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और अच्छे से परफेक्ट कंट्रोलर जैसे काम करने के लिए हेल्प करता है. तो इन सारे नीड आपको लगता है, डिस्टर्बेंसेस को कॉम्पनसेट करना कंपलसरी होता है, यानी तो आपका सिस्टम बहुत स्लो होते जा रहे डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो आपको कंपलसरी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम यूज करना पड़ेगा. सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम अगर देखिए, फीडबैक में हम देखते हैं तो ये सेम फीड फॉरवर्ड का भी ब्लॉक डायग्राम वैसे ही दिखता है. वही एलिमेंट्स रहेगा, प्रोसेस रहेगा, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रहेगा, कंट्रोलर रहेगा, सेंसर विथ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म भी रहेगा. मतलब यहाँ दूसरा कंट्रोलर कुछ नहीं है, जो मेरा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, जो कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ वही कंट्रोलर यूज करता हूँ. मगर मेरा सेंसर जो बिटाता हूँ वो सेंसर यहाँ आउटपुट पे नहीं है, मैं बिटाता हूँ मेजर डिस्टर्बेंसेस पे. जैसे कि मैंने अभी पानी का हीट करने वाला हीट एक्सचेंज में क्या करते थे, हम सेंसर जो है मेरा पानी का आउटलेट टेम्परेचर में बिटाता था. यहाँ क्या बताते हैं, हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे या एयर वेलोसिटी पे एक सेंसर बिटा के यूज करते हैं. मतलब यहाँ आप जिस पैरामीटर पे काम कर रहे हैं वो सेंसर नहीं यूज करते हैं. अगर हीट एक्सचेंजर में देखते हैं तो टेम्परेचर सेंसर होगा, अगर फीड फॉरवर्ड में देखते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, नहीं तो एयर वेलोसिटी सेंसर हो सकता है. मतलब आप मेजर डिस्टरबेंस को मेजर करके उसको एज ए पीवी बोल के कंट्रोलर को फीड करते हैं. मतलब यहां आप डिस्टरबेंस को मेजर करके ऑपरेट करते हैं. सो ये है आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम. सो यहां क्या होगा, मेजर डिस्टरबेंस को मेजर करता है सेंसर और वो सिग्नल को कंट्रोलर को देता है. तो मेजर डिस्टरबेंस ज्यादा होगा
तो वो आपका कंट्रोलर को जाएगा। ये एसपी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है तो इसको कंपेयर करके एरर को जनरेट करता है, और इस एरर के मुताबिक आपको क्या करता है, कंट्रोलर डिसीजन लेके कंट्रोलर का इनपुट को इम्प्रूव करता है, रेगुलेट करता है, उसकी वजह से आपका प्रोसेस डिस्टर्बेंस की वजह से जो कम ज्यादा हो रहा है उसको और स्पीड अप करें। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स बता रहे हैं। सो आपका प्रोसेस में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस रहता है, इनमें सर क्या सर मैंने सारे डिस्टर्बेंसेस को मेजर करना है? यस, आप सारे डिस्टर्बेंसेस को मेजर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपका कॉस्ट उतना ही बढ़ जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हमारे डिस्टर्बेंसेस 4-5 हो लेकिन उसमें मेजर डिस्टर्बेंस जो है उसी को हमें कॉम्पनसेट करने के लिए यूज करते हैं। आपका कंपैरिजन के लिए मैंने फीडबैक विद फीड फॉरवर्ड बताया एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम में। यहाँ देखिए मेरा एक प्रोसेस है और मेरा कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो प्रोसेस में देखिए फीडबैक पहले देखते हैं, तो आपका प्रोसेस का आउटपुट में सेंसर और फीडबैक सिग्नल फीड करते हैं, मतलब आउटपुट को मेजर करते हैं, वो कंट्रोलर को फीड करते हैं, ये फीडबैक मैकेनिज्म है। यहाँ डिस्टर्बेंस को कुछ भी कंसिडर नहीं करते, डिस्टर्बेंस का कुछ इफेक्ट कुछ लेना देना नहीं है। फीड फॉरवर्ड में आते हैं तो हम मेजर करते हैं डिस्टर्बेंस को, नॉट द आउटपुट। सो वो डिस्टर्बेंस की वजह से मेरा सेट पॉइंट जो डिविएट हो रहा है उसको हम कॉम्पनसेट करते हैं। सो यहाँ फीडबैक कंट्रोलर को जो है, मतलब यहाँ कंट्रोलर को मैं क्या करता हूँ, डिस्टर्बेंस को मेजर करके डिस्टर्बेंस को मेजर करके उसको एज ए पीवी देता हूँ, वो आपका एसपी से कंपेयर करके कंट्रोल सिग्नल देके प्रोसेस को रेगुलेट करता है इन द अकॉर्डेंस विद द डिस्टर्बेंस। सो यहाँ कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक हीट एक्सचेंजर का मैंने यहाँ बता रहा हूँ, एक फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। यहाँ ऑब्जर्व करो मेरा आउटपुट टेम्परेचर क्या चाहिए, फीडबैक सिस्टम मतलब मोस्टली क्या है, हम हीट एक्सचेंजर में देखते हैं कि मेरा आउटपुट टेम्परेचर क्या चाहिए मेरे को, जो भी हम देखते हैं कि आउटपुट मेरे को 70 डिग्री चाहिए, 80 डिग्री चाहिए, 120 डिग्री चाहिए, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। तो क्या करते हैं, उसी को मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ सेंसर जो है आउटपुट में बिठाया। तो सेंसर क्या करेगा, आउटपुट टेम्परेचर कम ज्यादा है क्या देखता है, उसके हिसाब से मेरा टेम्परेचर कंट्रोलर सेट पॉइंट से कंपेयर करके कंट्रोल सिग्नल देखता है, और जो हीट एक्सचेंजर को स्टेम को रेगुलेट करता है, जो आपका इनपुट को जो है हीट करने के लिए यूज करने वाला मैकेनिज्म है, मतलब यहाँ स्टीम को जो है कम ज्यादा करेगा ताकि आपका मतलब आपका टेम्परेचर आउटपुट कम है तो स्टीम को बढ़ा के हीटिंग को बढ़ाता है, अगर आउटपुट टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका स्टीम को कम करके आउटपुट टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये फीडबैक सिस्टम, मतलब मेरे को जो चीज चाहिए उसी को मेजर कर रहा हूँ। फीड फॉरवर्ड में क्या करते हैं, मेरे को आउटपुट टेम्परेचर चाहिए, मगर यहाँ क्या करते हैं, आपका जो आउटपुट टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है इनपुट टेम्परेचर के हिसाब से। शायद आपका इनपुट टेम्परेचर एकदम ठंडा पानी भी हो सकता है या नहीं तो एकदम गर्म पानी भी हो सकता है। अगर आपने ज्यादा गर्म पानी देते हो तो प्रोसेस सेट पॉइंट बहुत जल्दी पहुंचता है, अगर ठंडा पानी हो तो कम पहुंचता है। अगर ठंडा पानी दिया है और सेट पॉइंट आपका 60 डिग्री है तो ये बहुत टाइम लेता है आपका आउटपुट में जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंचने में। अगर मान लीजिए इनपुट टेम्परेचर आपका कम है बोल के मालूम पड़ता है तो उसके हिसाब से अगर आप कंट्रोल सिग्नल और बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, हमें रिक्वायरमेंट आउटपुट को नहीं देख रहे, हम देख रहे पहले मेरा आउटपुट प्रोसेस को स्लो करने वाला इनपुट टेम्परेचर कितना है देख रहे। तो यहाँ इनपुट में टेम्परेचर से ट्रांसमीटर बिठाया है और वो कंट्रोलर को दिया, ये दोनों को कंपेयर करके आपका कंट्रोल सिग्नल देगा, स्टीम को बढ़ाए, मतलब इनपुट टेम्परेचर कम होगा तो स्टीम बढ़ेगा और हीट को ज्यादा करता है, मतलब आपका आउटपुट मिलने के लिए जो डिले कर रहा है वो सिस्टम को स्पीड अप करता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम क्या है, मेजर डिस्टरबेंस को मेजर करेगा और उसको इंप्लीमेंट करता है और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करते हैं, इनपुट टेम्परेचर को मेजर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मतलब कंट्रोल वाल्व को रेगुलेट करते हैं। सो अगर सेम लिक्विड लेवल बॉयलर सिस्टम में देखते हैं, यहाँ देखिए एक बॉयलर टैंक है। सो बॉयलर टैंक में क्या है, मेरे को लिक्विड लेवल मेंटेन करना है, लेकिन इसमें हीटिंग हो रहा है तो हीट होने की वजह से इसमें से स्टीम बाहर जा रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 70% चाहिए बोल के मैंने क्या कर रहा हूँ, पानी का लेवल कितना है उसके हिसाब से लेवल ट्रांसमीटर लगाया, और ये लेवल ट्रांसमीटर क्या करता है, लेवल कंट्रोलर को देता है आपके एसपी 70% चाहिए, पानी कम है तो लिक्विड क्या करता है उसके हिसाब से कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करके इनपुट का लिक्विड को फीड करता है। अगर मान लीजिए मेरा पानी बहुत ठंडा है तो ये सिस्टम वेल एंड गुड अच्छे से काम करता है, लेकिन यहाँ पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, स्टीम जनरेट हो रहा है, सो देन क्या हो जाएगा, यहाँ जितना आपने लिक्विड भरने के लिए फीड कर रहे हैं उसमें से ज्यादा पानी जो है स्टीम में बाहर जा रहा है। अगर ये स्टीम में कितना बाहर जा रहा है आप इसमें देख रहे नहीं है, तो स्टीम आप जितना कोशिश कर रहे हैं तो लिक्विड बढ़ेगा ही नहीं है, या बढ़ेगा तो सेट पॉइंट पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। अगर स्टीम नहीं है तो क्विकली सेट पॉइंट में पहुंचता है, अगर स्टीम
होता तो ये सेट पॉइंट में पहुंचेगा ही नहीं है। तो हम क्या करना पड़ेगा, स्टीम क्वांटिटी के हिसाब से इनपुट का स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये मेजर डिस्टर्बेंस है, मेरा स्टीम है, तो स्टीम में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्लो ट्रांसमीटर लगा रहा हूँ, मतलब स्टीम का वेलोसिटी देख के। अगर स्टीम ज्यादा होगा तो इनपुट का लिक्विड ज्यादा देंगे, स्टीम का वेलोसिटी कम होगा तो इनपुट का लिक्विड कम देंगे। सो ये एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म ऐसा काम करता है। मतलब यहाँ स्टीम को मेजर करेंगे और आपका सेट पॉइंट कितना 70% चाहिए उसके हिसाब से ये कंपेयर करेगा और उसके हिसाब से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और यहाँ आपका लिक्विड लेवल को इम्प्रूव करता है। मतलब आपका जो डिले हो रहा है स्टीम वेलोसिटी की वजह से, स्टीम ज्यादा होने की वजह से, वो रिड्यूस हो जाता है। सो एडवांटेजेस ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, सो आपका डिस्टर्बेंस की वजह से जो आपका सिस्टम डिले हो रहा है, प्रोसेस अपसेट हो रहा है, उसको होने से पहले ये करेक्ट कर देता है। तो उसके हिसाब से मतलब आने वाले डिस्टर्बेंस को पहले ही करेक्ट करता है, दैट्स व्हाई वी कैन से एज अ परफेक्ट कंट्रोलर बोल के। हाँ, और ये सिस्टम का कभी भी स्टेबिलिटी सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है। डिसएडवांटेज, और ये हम सिर्फ जो डिस्टर्बेंस को हम मेजर करते हैं उसी को देखते हैं। जैसा मैंने पहले एग्जांपल बताया था, मेरे बॉयलर टैंक में स्टीम का दो चीज इफेक्ट करता है, एक है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दूसरा एयर वेलोसिटी। सो अगर मैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर देख के कंपनसेट करता हूँ तो उसी के हिसाब से होगा, ये वो एयर वेलोसिटी को नहीं देखता है। मतलब सारे डिस्टर्बेंसेस को ये कंसिडर करके नहीं करता, आप जो डिस्टर्बेंस को आप कंसिडर करते हैं उसी के ऊपर आप काम करता है। अगर मान लीजिए सर मैंने दोनों को कंपनसेट करना है, तो दोनों कंपनसेट करना है तो दोनों का आपने सेंसर्स बिठाना पड़ेगा, कंट्रोल मैकेनिज्म बिठाना पड़ेगा। तो जो है आपका कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता है। आप यहाँ हर बार डिस्टर्बेंस को मेजर करना पड़ता है सिस्टम में, जो आपका सिस्टम का कॉस्ट बढ़ा देता है और सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। और ये सिस्टम को परफेक्टली अच्छे से इंप्रूव करना है तो आपको सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, कौन है आपका मेजर डिस्टर्बेंसेस है, आपका मेजर डिस्टर्बेंसेस के बारे में अच्छे से जानकारी होना है। अगर आपको मेजर डिस्टर्बेंसेस के बारे में जानकारी नहीं है, आप कोई दूसरा डिस्टर्बेंस को मेजर करते हैं, तो ये सिस्टम परफेक्टली काम नहीं करता है। ओके, हम आइडियली बोलते हैं ये परफेक्ट कंट्रोलर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो है ऐसा नहीं होता है, ये लीड लैग मैकेनिज्म में काम करता है। इसमें ऑलवेज ऑफसेट को रहता है या ऑफसेट को निकालता नहीं, मतलब आपका सिस्टम को स्पीड को इम्प्रूव करता है मगर सेट पॉइंट और पीवी के बीच का अंतर को एलिमिनेट नहीं करता है। आपका सिस्टम चाहे तो थोड़ा एसपी के ऊपर होगा यानी तो एसपी के नीचे सेटल होता है। सम कंपैरिजन पे बता रहे फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में, अगर फीडबैक में एडवांटेजेस के हिसाब से और डिसएडवांटेजेस के हिसाब से देखते हैं, तो फीडबैक में आपका कोई डिस्टर्बेंसेस को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है और कोई एरर्स को कंसिडर नहीं करता है और इन पैरामीटर वेरिएशंस का इंसेंसिटिव है। फीड फॉरवर्ड में है मेजर एक्स डिस्टर्बेंस आने से पहले सिस्टम को करेक्ट करता है, स्लो सिस्टम को स्पीड अप करता है, सिस्टम का डेड टाइम को रिड्यूस करता है, इंस्टेबिलिटी को बिल्कुल इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, सिस्टम स्टेबिलिटी को कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर फीडबैक का डिसएडवांटेज देखते हैं, कंट्रोलिंग एक्शन होगा आफ्टर द डिस्टर्बेंस, मतलब आउटपुट सेट पॉइंट से डिविएट होने के बाद, एरर जनरेट होने के बाद ही कंट्रोलिंग एक्शन होता है। ओके, सो ये बिफोर करेक्शन नहीं लेता है। फीड फॉरवर्ड क्या करता है, डिस्टर्बेंस आने से पहले उसको करेक्शन करता है, उसके वजह से डिविएट होने से पहले करेक्शन करता है। मतलब ये थोड़ा फीडबैक सिस्टम जो है स्लो सिस्टम है और सिस्टम जो है डेड टाइम भी इसका ज्यादा रहता है, इट मे क्रिएट इंस्टेबिलिटी, सिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। फीड फॉरवर्ड जो है मेजर डिस्टर्बेंसेस का एनालिसिस और उसके बारे में अच्छे तरह स्टडी होना जरूरी है। ओके, अनमेजर डिस्टर्बेंसेस को कंसिडर नहीं करता है। प्रोसेस पैरामीटर का जो अलग अलग प्रोसेस पैरामीटर का जो है उसका सेंसिटिव है। फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड इन जनरल एडवांटेज डिसएडवांटेज छोड़ के अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो फीडबैक जो है फीड फॉरवर्ड जो है मेजर डिस्टर्बेंसेस को मेजर करके काम करता है, फीडबैक जो है आउटपुट पैरामीटर को मेजर करके काम करता है। कंट्रोलिंग एक्शन लेगा बिफोर डिस्टर्बेंसेस में डिविएट द सेट पॉइंट, कंट्रोलिंग एक्शन होगा आफ्टर द डिविएशन ऑफ द सेट पॉइंट। ओके, प्रोसेस विल सेटल एदर लीड आर लैग टू द डिजायर्ड आउटपुट, मतलब इसमें ऑफसेट रहेगा, सिस्टम जो होता है आपका एसपी के ऊपर या नीचे सेट होता है, ये प्रोसेस जो है एग्जैक्टली सेट पॉइंट में सेट होने के चांसेस है, ऑफसेट भी कम हो सकता है। फीड फॉरवर्ड मेजरली डिस्टर्बेंसेस को कंसिडर करता है, फीडबैक डिस्टर्बेंसेस को कंसिडर नहीं करता है। फीड फॉरवर्ड जो है स्लो प्रोसेस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, फीडबैक जो है स्लो प्रोसेस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। स्लो प्रोसेस सिस्टम को और इम्प्रूव करके स्पीड अप करता है।
रिड्यूस द लैग टाइम ऑफ सेटलिंग, मतलब सेटल होने के जो टाइम कम ज्यादा टाइम लगता है उसको कम कर देता है, ये लैग टाइम को रिड्यूस नहीं करता है, सिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, फीडबैक जो है सिस्टम में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, और फीड फॉरवर्ड ऑफसेट को एलिमिनेट नहीं करता है, फीडबैक जो है ऑफसेट को एलिमिनेट करता है। तो सर कौन सा अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, फीड फॉरवर्ड अच्छा है? फीडबैक जो है आपका आउटपुट को सेट पॉइंट में लेके जाने के लिए काम करता है, फीड फॉरवर्ड जो है डिस्टर्बेंसेस को करेक्शन करने के लिए काम आता है। तो अगर दोनों होगा तो बहुत अच्छा है, सो दैट्स वाई फीडबैक विद द फीड फॉरवर्ड, मतलब फीड फॉरवर्ड को फीडबैक के साथ यूज करते हैं। ओके, सो परफेक्ट कंट्रोल सिस्टम आपको यूज करना है तो मेजर डिस्टर्बेंसेस को भी कॉम्पनसेट करना है और सिस्टम का प्रोसेस को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, पहले हम देखते थे यहाँ जो है आउटपुट में जो बिटाया ये फीडबैक कंट्रोल है, और यहाँ जो इनपुट में बिटाया ये फीडबैक, सॉरी आउटपुट में जो बिटाया है वो फीडबैक कंट्रोल है, जो इनपुट में बिटाया वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है। सो ये दोनों कंट्रोल सिग्नल को हमें थ्रू द एडर एक कंट्रोलिंग सिग्नल बना के देते हैं, तो ये बन जाता है आपका फीडबैक विद द फीड फॉरवर्ड। मतलब ये आपका राइट साइड में जो है ट्रांसमीटर जो बिटाया हुआ है ये फीडबैक जैसा काम करता है, और लेफ्ट साइड में जो बिटाया है ये फीड फॉरवर्ड जैसा काम करता है। ओके, सो यहाँ आपको दोनों देख सकते हैं एक साथ में, पहले वाला जो आपको दिखा रहा है फीडबैक कंट्रोलिंग एक्शन, दूसरा वाला जो दिखा रहा है फीड फॉरवर्ड कंट्रोलिंग एक्शन। सो फीडबैक में देखिए यहाँ क्या कर रहा है, आउटपुट टेम्परेचर को मेजर कर रहा है और उसको कंट्रोलर को दे रहा है, एसपी देके आपका स्टेम को रेगुलेट कर रहा है, मतलब मेरे को कितना आउटपुट टेम्परेचर चाहिए उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। ये फीड फॉरवर्ड क्या कर रहा है, इनपुट का टेम्परेचर कितना है वो मेजर कर रहा है, और वो एसपी से कंपेयर करके आपका कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट कर रहा है, उसके हिसाब से स्टेम को कम कर रहा है। मतलब आपका इनपुट पानी टेम्परेचर बहुत कम है तो ये स्टेम का स्पीड बढ़ता है, इनपुट पानी का टेम्परेचर ज्यादा है तो स्टेम का स्पीड कम हो जाता है। फीडबैक में क्या होता है, आउटपुट का टेम्परेचर कम है तो आपको क्या हो जाएगा, ये स्टीम का जो टेम्परेचर को बढ़ाता है, स्टीम का फ्लो को बढ़ाता है, तो ताकि आपका इंटरनली हीटिंग बढ़े। अगर आपका आउटपुट टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्टीम का वेलोसिटी कम करके आउटपुट टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर ये दोनों इंप्लीमेंट करते हैं तो ये क्या करेगा, पहले आपका फीडबैक को देखते हैं। जैसे मेरा आउटपुट सिग्नल, मतलब आउटपुट टेम्परेचर कम है तो ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर TT1 जो है, मतलब आपका लेफ्ट साइड में आउटपुट में जो बिटाया है, ये क्या करता है, वो टेम्परेचर को पीवी में कन्वर्ट करके टेम्परेचर कंट्रोलर 1 को देता है। तो ये क्या करता है, आपका सेट पॉइंट और इसके हिसाब से कंपेयर करके कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये कम है तो कंट्रोल सिग्नल ज़्यादा होगा, इसके हिसाब से आपका वाल जो है खुल जाता है और स्टीम का वेलासिटी को बढ़ा देता है। ओके, एट द सेम टाइम मेरे इनपुट का टेम्परेचर भी कम है मान लो, तो ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर 2 जो है ये मेजर करेगा, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर क्या करता है कंट्रोल सिग्नल को बढ़ाता है, और इसके हिसाब से ये कंट्रोल सिग्नल भी जाके स्टीम को बढ़ाता है। अगर दोनों कंट्रोल सिग्नल ज्यादा है तो उसके हिसाब से क्या होता है, आपके ये दोनों एडिटिव होके, ये मिक्सर में हमने दिया है तो इज एडिटिव मोड, सो ये कंट्रोल सिग्नल दोनों ऐड होके इनपुट को बढ़ेगा, तो इससे क्या हो जाता है आपका और कंट्रोल सिग्नल और बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ आपका इनपुट टेम्परेचर कम होगा तो भी वो सिग्नल भी इसको इम्प्रूव करता है, और आउटपुट टेम्परेचर है तो वो सिग्नल भी इसको इम्प्रूव करता है, तो उसकी वजह से आपका स्टेम वेलोसिटी और बढ़ के जो लैग है सिस्टम सेटल का जो लैग है, दोनों के वजह से जो लैग है उसको इम्प्रूव होता है। एक डिस्टर्बेंस भी करेक्शन हो रहा है जो इनपुट टेम्परेचर का, और एज वेल एज मेरा रिक्वायरमेंट टेम्परेचर भी करेक्शन हो रहा है, इसके वजह से क्या होता है, इट विल वर्क एज अ परफेक्ट कंट्रोल सिस्टम। सिमिलरली मेरा बॉयलर टेम्परेचर मेजरमेंट है, यहाँ बॉयलर ड्रम का पहले वाला जो है फीडबैक कंट्रोल है, सो मेरे टैंक का लेवल कम है या ज्यादा है ये लेवल ट्रांसमीटर से लेंगे, और लेवल ट्रांसमीटर को आपको कितना लेवल चाहिए और लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर को बताते हैं, और ये दोनों को कंपेयर करेगा, लेवल कम होगा तो कंट्रोल सिग्नल बढ़ के वाल को खुलेगा, इनपुट फ्लो बढ़ता है। ओके, अगर लेवल ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से यहाँ एरर सिग्नल कम होगा, कंट्रोल सिग्नल कम हो जाता है तो फीडिंग वाटर जो है वो कम हो जाता है, तो इसके वजह से आपका ये रेगुलेट होता है। सिमिलरली अगर फीड फॉरवर्ड देखते हैं तो यहाँ अगर आपका हीट ज्यादा है, पानी जो लिक्विड जो है इसके अंदर वाटर जो है बॉयलर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर काम कर रहा है, उसकी वजह से स्टीम फ्लो ज्यादा है, तो ये स्टीम फ्लो का मेजर करेंगे, सेट पॉइंट को कंपेयर करेगा, स्टीम फ्लो ज्यादा होगा तो ये क्या करता है कंट्रोल सिग्नल बढ़ाता है, तो फीड वाटर का वेलोसिटी भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो लिक्विड स्पीड से आके इसमें भरते जो इसका स्टीम ज्यादा जा रहा है उसको कॉम्पनसेट करता है। तो अगर मान लीजिए मैंने ये सिस्टम नहीं डालता हूँ पहले वाले में, तो स्टीम जा रहा है तो ये क्या होता है लिक्विड स्पीड जो है स्लो से आता है। अगर मैंने इसके वजह से दोनों में, अगर लेवल कम है
तो भी मेरा पानी का स्पीड बढ़ना है, साथ में और स्टीम ज्यादा जा रहा है तो उसके हिसाब से और थोड़ा ज्यादा खुलेगा तो मेरा और स्पीड से इंप्रूव होता है। तो ये दोनों इनकॉर्पोरेट करके फीडबैक विद फीड फॉरवर्ड कंट्रोल नीचे दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने पहले फीडबैक को देखते हैं, या लेवल ट्रांसमीटर क्या करता है, पानी का लेवल देखता है जो आपको एक्चुअल मेंटेन करना है, इन दोनों को कंपेयर करेगा और इसके साथ हम ये मिक्सर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से कंट्रोल सिग्नल जाएगा, वाल जो है आपको खुल जाता है तो पानी लिक्विड भरेगा। तो साथ में यहाँ पानी का टेम्परेचर भी ज्यादा है, स्टीम फ्लो ज्यादा है, तो ये स्टीम फ्लो को मेजर करेंगे। जो आपका स्टीम फ्लो ज्यादा है मतलब आपका पानी जल्दी लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो ये स्टीम फ्लो को ये रिकॉग्नाइज करेगा और उसके हिसाब से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और वाल को ज्यादा खोलने के लिए परमिशन देता है, तो ये भी जाके वाल को खोलता है। अगर ये दोनों सिग्नल को हम एडिटिव करके इधर देंगे मिक्सर में, तो ये क्या हो जाएगा, वाल ज्यादा खुलेगा, तो वाल ज्यादा खुलेगा तो मेरा स्टीम इनपुट फीड वाटर बढ़ेगा और मेरा जो सेम टाइम में मैक्सिमम लिक्विड फ्लो होके दोनों एडिटिव कंट्रोल सिग्नल होने की वजह से मेरा लिक्विड लेवल और स्पीड से बढ़ता है। फीड फॉरवर्ड तो अभी ऑलरेडी हमने देखा है इन एडवांटेज डिसएडवांटेज पहले, तो इसको मैंने स्किप करता हूँ। फीड फॉरवर्ड विद द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज करेंगे तो क्या होता है, सिस्टम जो है और एफिशिएंटली काम करता है और आपका सिस्टम में मेजर डिस्टर्बेंसेस को जो है कॉम्पनसेट करेगा और एक्यूरेटली काम करेगा और सेट पॉइंट को आपका मेंटेन करने में काम करता है। मतलब आपका ऑफसेट को निकाल के एज पर आउटपुट के हिसाब से कंट्रोलिंग एक्शन लेगा आपका फीडबैक सिस्टम। डिस्टरबेंस की वजह से आपका सिस्टम में आने वाला डिविएशन को पहले ही रिड्यूस करके उसको रेगुलेट करने की वजह से आपका सिस्टम स्पीड को और इंप्रूव करने के लिए काम करता है फीड फॉरवर्ड सिस्टम। सो आपको डिस्टरबेंस को भी कॉम्पनसेट करना है एज वेल एज आपका आउटपुट को भी अचीव होना है, तो ये दोनों काम हम कर सकते हैं फीडबैक विद फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। सो एनी क्वेश्चंस? अगर आपको कुछ